नागपूर येथील मंगळवारी झोन येथे प्रभात अग्रवाल यांच्या नेतृत्वात आम आदमी पार्टी तर्फे आंदोलन करण्यात आले। अनेकदा निवेदन देऊन सुद्धा सहआयुक्त साफसफाईकडे दुर्लक्ष करतात अशी तक्रार करत 3 दिवसात मागणी पूर्ण न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा प्रभात अग्रवाल यांनी दिला। निवेदन दिलं आहे सहआयुक्तांना, मात्र अजूनपर्यंत त्याच्यावर कुठलाही निर्णय घेण्यात आलेला नाही आहे। आणि या विरोधात आप कार्यकर्त्यांकडून आज आंदोलन करण्यात येत आहे आणि याच आंदोलनाच्या विषयावर आपल्यासोबत बोलण्याकरिता आप कार्यकर्ते आहे, पण त्याच्याकडून जाणून घेऊया की नेमकं त्यांच्या कुठल्या मागण्या आहे आणि कुठल्या मागण्या अजूनपर्यंत पूर्ण झालेल्या नाही आहे। पिछले कई समय से हम लोग निरंतर इन लोगों को निवेदन दे रहे हैं कि मोतीबाग क्रॉसिंग के पास में जो बस्ती है वो बस्ती के अंदर में पिछले तीन चार साल से वहाँ पे नगर पालिका का कोई कर्मचारी सफाई के लिए नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके पहले हम लोगों की तरफ से 4 निवेदन दिए जा चुके हैं इनको। 2017 में एक, 2017 के चौथे महीने में निवेदन दिया हुआ है, 2017 के पाँचवें महीने में निवेदन दिया गया है, 2017 के 10वें महीने में निवेदन दिया गया है, उसके बाद में 2018 के पहले महीने में निवेदन दिया गया है, उसके बाद में 2019 में भी निवेदन दिया गया हुआ है। इसके बावजूद भी फिर उसके बाद में 2020 का पूरा काल जो रहा कोरोना काल के कारण इनसे हमारा फ़ोन पर बातचीत हुई, उसके बावजूद भी 4 साल हो गए उस बस्ती के अंदर में सफाई के लिए नहीं आया कोई भी, ना ही गटर लाइन की सफाई के लिए आता है, न कोई वहाँ पर कचरा उठाने के लिए आता है। वो बस्ती अगर आप देखोगे तो इतनी गंदी हालत में, इतनी बदतर स्थिति के अंदर में बस्ती है कि आप सोच नहीं सकते। मैं ये आंदोलन होने के बाद में आप सभी मीडिया भाई जो यहाँ पर आए आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोगों बस्ती में चले और चलकर देखें कि किस स्थिति में लोग वहां पर रह रहे हैं। वहां पर की जो गटर लाइन है ये स्तर पे पैर के घुटने तक के वहां पे पानी रहता है। पानी रहते हुए वहाँ के लोग, वहाँ पर बस्ती के लोग उसमें रहने के लिए मजबूर है। कीड़े मकोड़े उनके घर के अंदर आते हैं, उससे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उनको तकलीफ जा रहा है। वो गंदा पानी जो है पीने के पानी में मिलता है, जिस कारण से वहाँ के बच्चे पिछले 3-4 साल से निरंतर बीमार पड़ रहे हैं। मंगलवारी जोन में इसके पहले हम लोग कई बार आए, राउत साहब से इसके पहले कई बार भेंट हो चुकी है उस विषय को लेकर, पर अभी तक के नाली की सफाई नहीं की है इन्होंने। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द नाली की सफाई करें। इसके अलावा 2017 के अंदर में महानगर पालिका में निरंतर आंदोलन करने के बाद में वहाँ पर स्थिति यह है कि वहाँ के लोग पटरी पर शौच के लिए जाने पर मजबूर है। 2017 में बड़े आंदोलन करने के बाद में वहाँ पर नगर पालिका की तरफ से जो कि हम लोगों ने सेंट्रल सिविल लाइन्स ऑफिस में हम लोगों ने निवेदन दिए थे आंदोलन करने के बाद में, वहाँ पर 90 शौचालय बनाए गए थे, लोगों के घर घर शौचालय बनाए गए थे। उनके जो गटर लाइन है, उनका जो गड्ढा है वो भर चुका है, उसके अंदर में गंदगी अभी भी भरी हुई है, मल भरा हुआ है, वो अभी तक के साफ नहीं हुआ, जिस कारण से वापस से लोग पटरी पर जाने के लिए मजबूर है। केंद्र सरकार में और नगर पालिका के अंदर में दोनों में भाजपा है। भाजपा का ये कहना है कि हमारे देश के अंदर में स्वच्छ भारत अभियान के तहत मुहिम चालू है, वो मुहिम के अंतर्गत क्या नगर पालिका, क्या केंद्र सरकार को ये नहीं दिखता कि नागपुर के अंदर में जहाँ से बीजेपी चलती है वहाँ से नगर पालिका के जोन से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर, बीजेपी हेडक्वार्टर से 2 किलोमीटर की दूरी पर लोगों को गंदे पानी के अंदर में अपना जीवन व्यापन करना पड़ रहा है, गंदे नाली के अंदर में जीवन व्यापन करना पड़ रहा है। हमारी सरकारें दोनों क्या कर रही है, इस पर हमारा सवाल है। अभी हमारा इनसे निवेदन है कि तीन दिन के अंदर अगर वो नाली साफ़ नहीं होती है, वो पूरा एरिया अगर पूरा साफ़ नहीं होता है, तो निश्चित रूप से हम लोगों को बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, जो कि ये लोग सोच नहीं सकते वो बड़ा कदम इस प्रकार का होगा। इसके पहले सहआयुक्त साहब राउत साहब से इस विषय पर तीन बार हम लोगों ने बातचीत की है और 4 बार निवेदन यहाँ पर जोन के अंदर में दिया हुआ है।
सेंट्रल वहाँ पर भी जोन दिया हुआ निवेदन दिया हुआ है सिविल लाइन्स ऑफिस में, मेन ऑफिस में, उसके बावजूद भी अभी तक के किसी भी प्रकार का निदान, किसी भी प्रकार की समस्या का हल नगर पालिका के द्वारा नहीं मिला है। ये आंदोलन और उग्र होगा अगर ये नहीं सुनते हैं तो, मजबूरन वो पूरा का पूरा मलमा लाकर, वो पूरा का पूरा मलमा लाकर यहाँ पे जो वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं इनके घरों के बाहर हम लोग ला के फेंकेंगे अगर ये नहीं मानते हैं तो। तर अनेक वेळा निवेदन देऊन सुद्धा सहआयुक्तांनी याच्यावर कुठलीही कारवाई केलेली नाही आहे, यांच्या नगरमध्ये जी गंदगी होते आहे त्याची कुठल्याही प्रकारची साफसफाई होत नाही असा यांचा आरोप आहे। अनेक वेळा निवेदन देऊन सुद्धा या यांची मागणी पूर्ण करण्यात झालेली नाही आहे, आणि जर अन्यथा ही मागणी पूर्ण झाली नाही तर 3 दिवसाच्या नंतर एक मोठ्या पद्धतीचं आंदोलन करू असा इशारा सुद्धा आप कार्यकर्त्यांनी दिलेला आहे। कॅमेरामॅन विकास जीवनासोबत अंकित डाफ, विदर्भ TV, नागपूर।